इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। ये जो गटर यहाँ पर देख रहे हैं, ये किला तालाब के करीब है। यही है यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ जैसे हालात जो बने हुए हैं, ये हम पंची बाबा में मौजूद हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि किस कदर पानी जो है घरों में दाखिल हो चुका है, बिल्कुल जीना दुश्वार हो चुका है और लोग जो है घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल रुक सी गई है। इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार? और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, बार बार हर साल होता है, लेकिन कॉरपोरेशन यहाँ पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं, ना आला अफसर यहाँ पर आकर इस मसले को संजीदगी से गौर करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आवाम गुस्से में है और वह एहतजाज के मूड में है, लिहाजा उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द इस मसले को हल करे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह thank you.
ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कॉर्पोरेशन वाले करने का क्या, कॉर्पोरेटर करने का, कौन करने का? ये इतना परेशानी तकलीफ है, हम लोग कैसे रहने का? काम ही नहीं हो रहा, इतना परेशानी हो रहा है आजाद नगर में, ये ड्रेनेज पूरा ब्लॉक हो जाता है। ये ड्रेनेज की वजह से अभी अल्फला मस्जिद में है, हम लोग नमाज पढ़ने वाले अल्फला मस्जिद में, उधर का ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होने वाला है, ये हम लोग ऐसा होंगे तो किधर जाने का फिर? ये बहुत परेशानी तकलीफ हो रहा है, निकलते देखो अभी। आप देख रहे हैं ये उज्जवल नगर तिरंगा कॉलोनी का नाला है। ये एक्चुअली हमारे पूर्वोत्तर MLA साहब थे, MLA थे तब, ये पूरा जो है कि नाला सैंक्शन किए हैं और कुछ लैंड डेवलपर्स के लोग जो है कि पूरे नाले को कब्जा करके जो है पूरा रोड पर नाला ले गए। इसके लिए जो है अनिल बनके आज के जो रिसेंट MLA जो है हमारे, उन्होंने एक छोड़ कर चार बार आगे सर्वे करके हुए हैं, उन्होंने आज तक यहाँ आज वापस देखने को तैयार नहीं। आज ये नाला फूट के पूरा जो है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, गोरी में पानी जा रहा है और उनके पौड़ी में पानी जा रहा है, वो पानी पूरे इंफेक्शन होने वाला है। इसकी जिम्मेदारी कौन है? अनिल बनके साहब इसकी जिम्मेदारी लेने वाले या कॉर्पोरेशन इसकी जिम्मेदारी लेने वाले? ये पूरे तिरंगा कॉलोनी के लोग पूछ रहे हैं भाई। इसके लिए जो है ये पूरे नाला फूट गए हैं, यहाँ पर लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, क्या हालत होने लगी हमारे लोगों की? इसके ऊपर गौर फिक्र कौन करने वाले हैं? ये जो नाला का सैंक्शन हुआ, पैसा कहाँ आई है, पैसा कहाँ पर खर्च किए हैं, ये कहाँ गया पैसा ये नाले का? जो पैरों से MLA साहब थे हमारे, तब सैंक्शन किए तो पैसा कहाँ गया? ये पूरी आम आवाज पूछने लगी हमारी। और ये नाले का सर्वे कर तुम बोल को बोले, सर्वे भी नहीं करे और ऐसा ही छोड़े, क्यों क्या ऐसा क्यों कर रहे हमारे साथ ना? इन सब क्यों कर रहे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इतना मैं बोलना चाहता हूँ, ये जल्द से जल्द जो है बारिश खत्म होने के बाद में ये नाले का काम करके देना। या जो नाले का काम कर रहे थे एकदम से अचानक से नाले का काम बंद करके गए हैं, और दो तीन बार बीजेपी के MLA साहब हमारे NK साहब आकर पूरा ये करके इसका पूरा सर्वे करके गए थे कि थोड़े दिन में ही भगा कर खेतों में से बोले आके देख के गए, और अभी तक जो है आने के लिए तैयार नहीं है। शिवाजीनगर पणजी बाबा तीव्र माद्रद मन नीर नुग् ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದ JCB ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಾಲಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬರಕತ್ರೆ ಪೂರ ತುಂಬಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಳೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದಾದ್ರೂ ನೀರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೋಟೆಕೇರಿ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಾಗ್ತಿರ್ಲ ಇದೆ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ನಾಲಾ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡು ಪೈಪ್ನ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಈಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರ ಐತೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಸಿಂಗಳಾಪುರ ಮಾಡೋದು ವಿಚಾರ ಐತೆ? ಏನೈತಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾಡೋಣ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿವಸದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ರಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನೀರಿಂದ ಇದಂದ್ರೂ ಒಟ್ಟು ಮಳೆಗಾಲ ಭಾಳ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಈ ನಮೂನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಾಸಿನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ. 24 ತಾಸು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಏನೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಬೆಳಗಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ ಇಂಥದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗತೈತಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಾಕತ್ತಾರ ಸರ್, ಇದು ಏನು ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ? ಏನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೋಟೆಕೇರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಕೋಟೆಕೇರಿ ಇದ್ರ ನಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಜನಗಳನ್ನು ಕಸನೂ ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಸಗಳು ಗಾಡಿನೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಕಸಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎರಡು ಟ್ರಕ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮರು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟ್ರಕ್ ಕಸ ನಾವು ಡೈಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಚ್ಚರ ಹಾಕಾಕ್ತಾರಂತ ಇದು ನೀರು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚರ ಹಾಕ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಕಚ್ಚರನೂ ಅವರು ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ. ನಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರಂಕನಕೊಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಪಂಜಿ ಬಾಬಾ ಶಿವಾಜಿನಗರ್ ವಿರ್ಭದ್ರ ನಗರ, ये लास्ट 2-3 साल से बारिश आने से ज़्यादा पानी आता है, और बिफोर 2 साल पहले भी इसे ऑलरेडी 7 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए है, और स्मार्ट सिटी वाले जो है आपको देख रहे हैं, खाली सर्वे कर रहे हैं, काम वगैरह कुछ नहीं कर रहे. हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा स्मार्ट सिटी का बाद में करो,
पहला जो गटर है तालाब का कंपाउंड वॉल से लेकर मेडगुड हॉस्पिटल से लेकर हमारे इसके तक बूढ़ा ऑफिस तक वो वीड़ था कि नहीं 10 फुट करना और डीप जो है 10 फुट करना, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। हर डिपार्टमेंट में ले 2-3 साल पहले भी मैं इसका इंटरव्यू दिया हूँ, जितने भी इसे डिपार्टमेंट कनेक्टेड है वो सब डिपार्टमेंट मिलके इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना। हर एक लाख कॉरपोरेशन वाला आता है, स्मार्ट सिटी वाला आता है, हर डिपार्टमेंट वाले आते हैं लेकिन काम करते नहीं, खाली टेम्पररी आते हैं, देख के जाते हैं। MLA बेनके साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी जरा आके इधर देखो, देखकर स्मार्ट सिटी वाले कॉरपोरेशन वाले को लाकर इसका सलूशन निकालो। 2 साल पहले भी आप आए थे बेनके साहब, आके देखे गए, उसके बाद देखे नहीं क्या नहीं, तो इसके लिए सब डिपार्टमेंट से गुजारिश है। चलो भाई पैसे नहीं सैंक्शन है वो बात अलग है, पैसे ऑलरेडी 7 करोड़ रुपये आए सो है लेकिन कर रहे नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट सिटी का तुम इतना बड़ा कर रहे हैं, इधर लोग पंजी बाबा शिवाजी नगर वीरभद्र नगर जो है अशोक नगर इतने घर जो है 3-4 हज़ार घर इफेक्ट हो रहे हैं, घर पूरी प्योर फैमिली के है, तो इनको स्मार्ट सिटी बाद में बनाओ। तो इसके लिए आप सबसे गुजारिश है और इत्तेहाद न्यूज़ वालों से भी गुजारिश है कि उन्होंने आकर हमारे जो फ़ोन कॉल किए हम आके आने के बाद जो है रिस्पेक्ट देकर आकर जो पुलिस डिपार्टमेंट बर्मनी साहब आए थे, मार्केट के CPI साहब आए थे, हर लोग आके देख रहे हैं, देखकर जो है इसका बैठकर सलूशन निकालना, देखकर जाने का मकसद नहीं है, सलूशन निकालना इसका ये इम्पोर्टेंट काम। की यही तकलीफ है यहाँ पूरा अपने जिंदगी का सब ये लगा कि हमें घर सब बंदे सो है और इतनी तकलीफ हो रही कि कहाँ जाना, हमें घर का सामान पूरा लेको, बच्चों बच्चों को लेको, कितना पानी घर में भरे सो है, इधर कभी भी आको कोई भी क्या भी नहीं करता, मसला हलिज नहीं करता है कि तो घर में इतना इतना आके भरेला है, समझता कैसे है, देखो घर में पानी हमारा सब अनाज भोगे गए, चावल में पानी, जारी में पानी, आटे में पानी, सब में पानी है।